नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद। स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी में 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है। इसे लेकर शासन प्रशासन जमकर तैयारी में जुटा है। दरअसल जीआईएस के माध्यम से यूपी में 10 लाख करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी सिलसिले में प्रदेश सरकार की तरफ से 13 देशों के उद्योग मंत्रियों को पत्र भेजकर इस समिट में कंट्री पार्टनर बनने का न्योता दिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। इन पत्रों के जरिए से सभी देशों को उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल, सुविधाएं और बाकी जानकारियां दी गई हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि उनके देश में किस शहर में यूपी सरकार के मंत्री जीआईएस के लिए रोड शो करेंगे। उस रोड शो में भी विदेश के उन मंत्रियों को आने का न्योता दिया गया है। और आपको बता दें कि जल्द ही सीएम योगी और उनके मंत्रियों के विदेशों में रोड शो होंगे। विदेशों में निवेशकों से मुलाकात कर उन्हें जीआईएस में शामिल होने और यूपी में निवेश के लिए बुलाया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही यूपी को करीब 1.25 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है। वहीं करीब 150 निवेशकों ने रुचि दिखाई है। असल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यूपी सरकार ने दो महत्वपूर्ण पोर्टल तैयार किए हैं। दिल्ली में होने वाले जीआईएस कर्टेन रेजर समारोह में सीएम योगी दोनों पोर्टल और लोगों का शुभारंभ करेंगे। वहीं दोनों पोर्टल के टेस्टिंग और कामकाज को परखने के लिए कुछ चुनिंदा निवेशकों को इसके लिए लिंक भेजे गए थे। एक हफ्ते से भी कम वक्त में इन पोर्टल के जरिए करीब 150 निवेशकों ने निवेश के लिए रुचि दिखाई है। इन्होंने पोर्टल पर जो इंटेंट फाइल किया है वो 1.15 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। जल्द ये पोर्टल इन्वेस्ट यूपी की साइट पर लाइव हो जाएंगे। इन पोर्टल के जरिए ही निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने यूएई, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा के औद्योगिक विकास मंत्रियों को जीआईएस के लिए न्योता भेजा है। साथ ही मंत्री नंदी ने बताया कि ये समिट उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक और अभूतपूर्व साबित होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद अनुकूल वातावरण तैयार किया गया। हमने विभिन्न राज्यों की जो पॉलिसी है उसका गंभीर अध्ययन करके एक ऐसी एक्सक्लूसिव और सस्टेनेबल पॉलिसी बनाई जो निवेशकों को पसंद आ रही है। जैसे ही हमने उसे कैबिनेट से अप्रूव कराकर जारी किया उसमें उत्साह भरे रिजल्ट आए। 10 लाख करोड़ का जो हमारा टारगेट है निश्चित रूप से उसको हासिल किया जाएगा। वहीं जीआईएस को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उद्योगपतियों में उत्साह है। दुनिया में उद्योगपति जो भारत को बड़ा मार्केट समझते थे वो आकर्षित होकर खुद आ रहे हैं। अभी हम वहाँ जाकर भी न्योता देंगे। विभिन्न देशों के औद्योगिक मंत्रियों को निमंत्रण भी भेजा है। बहुत अच्छा रुझान भी देखने को मिल रहा है। यूपी के लिए अद्भुत होगा कि बड़ी संख्या में दुनिया के लोग यहां आकर इन्वेस्ट करेंगे। इस वक्त दुनिया हिंदुस्तान की ताकत देख रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी और योगी की जोड़ी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। और देश में योगी जिन नीतियों के तहत काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। कुछ देशों को योगी सरकार ने न्योता भेजा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देश खुद योगी से संपर्क साध रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी का जो टारगेट है वो इस समिट में पूरा होता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।